हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। और आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर में ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और जम कर पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके क्लास, स्टे होम स्टे हेल्थी। और लास्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड न्यूमेरिकल्स, स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, ओके। सबसे पहले इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। छोटे छोटे बेसिक से जो फॉर्मूले हैं वो देखते हैं। बेसिक सा फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, आई की वैल्यू अगर ए मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स लिखी है तो ए कॉन्सेप्ट बनता है। एक और कॉन्सेप्ट बनता है, आई ए इनवर्स ए होता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट बनता है। इन दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग अपने माइंड में रखेंगे। ये ए इनवर्स हमारा टारगेट रहेगा फाइंड करना, ठीक है। अब प्रोसेस का क्या नाम है? एक्चुअली में बेटे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस जो होती हैं उनको निकालने के दो फंडे हैं। पहली बात, एक लो हम लोग मैट्रिसेस में सीखेंगे और एक सीखेंगे सारणिक में, इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट्स, उसको डिटरमिनेंट्स में सीखेंगे। एक सीखेंगे मैट्रिसेस में और एक सीखेंगे डिटरमिनेंट्स में। वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ये थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस है, पर ये कॉम्प्लिकेटेड है और वो ईजी है। हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं। इसमें जो न्यूमेरिकल का पैटर्न होता है, वो न्यूमेरिकल का पैटर्न मिलता है आपको, ऐसा लिखा होता है, फाइंड द इनवर्स इफ दे एग्जिस्ट बाई यूजिंग एलिमेंट्री प्रोसेस। तो एलिमेंट्री जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, उसके लिए हम लोग बात करते हैं। एलिमेंट्री प्रोसेस, तो एलिमेंट्री प्रोसेस में आपको एक मैट्रिक्स देगा ए, तो ये आपको मैट्रिक्स दे दी, आपको पूरा मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है, और इसके बाद में इक्वल लगाएंगे और ए को ए लिख देंगे और बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे। सपोज इसका ऑर्डर 2x2 था, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में चलता है, ठीक है, तो 2x2 का ऑर्डर होता तो हम ऐसा कुछ लिख देते। फिर हम कुछ ऑपरेशंस यूज करते हैं। मैं अभी न्यूमेरिकल लूंगा तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। हम फिर कुछ ऑपरेशन करेंगे। अगर मैंने ए को पहले लिखा है तो मैं सारे ऑपरेशन करूँगा कॉलम में, ठीक है। और दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है, एक मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो आप लिख देंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले लिख दें और बाद में ए लिख दें। तो यहाँ पर आपने बाद में ए लिखा है तो रो ऑपरेशन यूज होंगे, मतलब जो एलिमेंट्री प्रोसेस है उनमें ऑपरेशंस लगाए जाते हैं रो के साथ या कॉलम के साथ। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल लेंगे, अभी दो मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ये चीज़ें हो क्या रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, ए को आपने अगर पीछे लिखा हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पीछे लिखा हुआ है, तो रो के ऑपरेशन यूज़ करेंगे हम लोग। और अगर आपने ए को पहले लिखा है तो ऑपरेशन कौन से यूज होंगे, कॉलम्स के। ये बात आप छोटी सी है, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, इसी पैटर्न में नोट डाउन कर लें, इसी पैटर्न में। ओके क्लास, ओके। नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल, दिस इज फर्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट द बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ए की जो वैल्यू गिवन है वो लिख देता हूं मैं, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, ये आपने ए लिखा हुआ। मुझे इसका ए इनवर्स निकालना है, या तो मैं कॉलम ऑपरेशन यूज कर सकता हूँ या मैं रो ऑपरेशन यूज कर सकता हूँ। ये आपका आई क्यू लेवल यूज होगा कि क्या ऑपरेशन यूज करना है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अच्छा, मैंने पहले क्या लिखा है, मैट्रिक्स लिखा है 2, 3, 5, 7, ये मैंने मैट्रिक्स लिखा, जो मैं बता रहा था कि मैट्रिक्स लिखूंगा बराबर। अब पहले देख लेते हैं कि मेरा मेन टारगेट रहेगा कि इस ए को सॉल्व करता चला जाओ। जो आप मैट्रिक्स लिखते हैं, जो आप मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं, मैंने आई टू लिख दिया, फिर आप ए लिख देते हैं, तो इनके कुछ ऑपरेशन यूज करते रहेंगे। लास्ट में अगर मैंने ए लिखा तो रो के ऑपरेशन यूज करते रहेंगे। लास्ट में ये जो मैट्रिक्स है वो बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी और ये वाली पोजीशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, बी का रूप ले लेगी। अच्छा, और अभी यहाँ पहले क्लास के जैसे स्टार्टिंग हुई थी, मैंने बताया था आई की वैल्यू लिखी है तो आई ए इनवर्स और ए होता है, इसका मतलब जो बी है वो एक्चुअल में ए इनवर्स है, ये इसका पैटर्न है। दूसरे वाले का कॉन्सेप्ट क्या क्या पैटर्न है, अगर एक मैट्रिक्स आपको गिवन है वो आप यहाँ लिख देंगे, गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, और आपने ए पहले लिखा है और आई को बाद में लिख दिया है। मैंने 2x2 की मैट्रिक्स ले ली इसलिए मैंने आई टू यूज़ कर लिया,
ए को ऐसे लिखना है, मैट्रिक्स यहाँ लिख लिए। अब मैंने ए पहले लिखा तो कॉलम के ऑपरेशन यूज होंगे, ऑपरेशन यूज होने के बाद इसकी जो फॉर्म है वो आई बन जाएगी, तो ये आई टू हो जाएगा और यहाँ पर एक ऑटोमेटिक मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी। और ये आपके पास ए तो ऐसे रहेगा और इसकी पोजीशन पर एक मैट्रिक्स आ जाएगी, इसी मैट्रिक्स को आप बी कह दो। और आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखा था कि ए इंटू ए इनवर्स ही आई होता है, इसका मतलब जो बी है वो आपका ए इनवर्स कहलाएगा। ये एक और पैटर्न बन गया, इसको भी आप कॉपी कर लो, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी आप कॉपी कर लो और इसी के बेस हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब मैं देखता हूँ कि मैं रो के ऑपरेशन यूज करूँ या कॉलम के ऑपरेशन यूज कर दूँ। पहले मैं रो के ऑपरेशन यूज करता हूँ। ये ऑपरेशन बार बार मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, अब देखो, अगर मैंने बोला कि इस रो के ऑपरेशन यूज करने मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मेरा टारगेट क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, और मैं रो यूज करूँगा तो रो यूज करने के लिए ए को पीछे लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, आप समझो। अब मुझे रो के ऑपरेशन यूज करने क्यों, क्योंकि मैंने ए को पीछे लिखा, इतना स्टेप क्लियर हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करें, ओके। अब मुझे ऐसे रो को पकड़ना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, मतलब 1 1 0 0 हो जाए। तो डायरेक्ट पहले स्टेप पे तो नहीं हो सकती पहले कोई चीज़, इनको देखते हैं कितना शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर मुझे रो यूज़ करनी है तो मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 सबट्रैक्ट कर दूँ, बात बन रही है कुछ। इट मीन्स आर टू इज रिप्लेसेस बाय आर टू माइनस आर वन ट्वाइस ऑफ आर वन। अगर मैं आर टू में से इसमें 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो देखो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। एक मिनट देखिए, 2 3, इसमें तो मैंने कोई चेंजिंग की नहीं, ठीक है। अब यहाँ लिखा है 5, ये तो 5 की पोजीशन, 2 की मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 4, तो 5 माइनस 4 1 मिलेगा। ये लिखा है 7, 2 की मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 6, इसमें तो 7 माइनस 6 1, तो ये 1 हो गया, तो ईजी हो गया मेरे लिए। अब ये ऑपरेशन यहाँ भी यूज होगा, यही तो कमाल है इसमें, तो 1 0 तो नो चेंज। ये लिखा है 0, तो आर टू की पोजीशन तो 0 ठीक है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई मतलब -2 आ जाएगा, ये तो आपका बन रह जाएगा, ये तो ए वैसे ही चलेगा, ठीक है। अब आप देखिए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, आप इसको 1 बना सकते हैं और इसको 0 बना सकते हैं। तो इसको पहले 0 बनाना चाहते हो तो 3 की मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाना पड़ेगा, बाद में माइनस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। दिखाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, आर वन इज रिप्लेसेस बाय आर वन माइनस 3 times ऑफ आर टू। देखो मैंने क्या लिखा है, आर वन को आप रिप्लेस कर दो आर वन में माइनस 3 R2 कर दो। अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 का 1 ही रहेगा। क्या पॉइंट समझ में आ गया, हम यही वाला स्टेप यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको आगे यूज कर दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आर वन रिप्लेस बाय, मेरे पास लिखा है ये मैट्रिक्स में नीचे लिखा है 1 1 और इस मैट्रिक्स में नीचे लिखा हुआ है -2 1 और ये ए। मैंने ऊपर वाले क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आर वन को तो चेंज करना है। अब हम चेंज करते हैं, आर वन की पोजीशन 2 2 -3 times ऑफ आर वन 2 -3, कौन सा बता गया, 2 -3 दैट मीन्स -1 एंड 3 -3 दैट मीन्स 0, ओके। नाउ 1 -3 लिखा, देखो आपके पास 1 लिखा है ये, फिर फॉर्मूले का माइनस लिखा, फिर 3 लिखा, आर टू की पोजीशन लिखा है -2 दैट मीन्स +6, ये मिलेगा आपको 7, तो ये पोजीशन कितनी आएगी, 7, ओके। ना 0, ये पोजीशन 0 लेगा, -3 और -3। अब आप देखें कि ये 1 मिल गया, ये 0 मिल गया, यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि आर टू इज रिप्लेसेस बाय आर टू प्लस आर वन, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 1 0 1 ही होता है, 1 -1 0, ओके। नाउ -1, एक और ऑपरेशन एक साथ यूज कर लेते हैं, एंड आर वन इज रिप्लेस बाय -R1, दो ऑपरेशन हम एक साथ यूज कर सकते हैं, तो मैंने कर लिया। तो आर वन में आप माइनस की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 1 0 -7 + 3 8, और आर टू में दोनों को ऐड करके लिखना है, दैट मीन्स 0 1 ऐड करके लिखना है, दैट मीन्स 5 -2। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई टू, और ये कोई मैट्रिक्स लिखी है और ये बी है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर आई टू है तो इसका मतलब है ये ए इनवर्स रहा होगा। तो आप क्या कह सकते हो कि जो ए इनवर्स है वो बी है, और बी जो लिखा है वो -7 3 5 -2 है,
और ये फाइनल आंसर, यही आपका ए यूनिवर्स है। अंडरस्टूड प्लीज बेटे, नो डाउट। ओके नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर टू। न्यूमेरिकल नंबर टू, टू इज 1327, 1327, 1327। ओके नाउ हियर अप्लाई रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, बिकॉज 2 मल्टीप्लाइड बाई आर वन, 6, 7, 1, 2, 2। ओके आर आर यूज करने वाला, 1, 3, 2, 7। अगर मैं रो ऑपरेशन यूज करूंगा दैट मीन्स लास्ट में लिखना है, मीन्स आर यूज करना है। तो रो यूज करना है तो मैं इसको जीरो कर सकता हूँ, इसको वन कर सकता हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा। आर टू इज रिप्लेस बाय आर टू माइनस ट्वाइस ऑफ आर वन, गॉट इट? टू माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई वन, 0, 7, माइनस 6 बिकॉज ट्वाइस ऑफ आर वन, आर वन, तो ये मिलेगा 1। ओके करना है आपको 1, 3, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, 1, 0, दिस इज ए। नाउ 0 माइनस 2 माइनस 2 एंड दिस इज ओनली 1, 0, 1, 1। तीन चीजें क्लियर हो गई। 3 को रिमूव करना है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? 3 को रिमूव करना है, आर वन इज रिप्लेस्ड बाय आर वन माइनस 3 टाइम्स ऑफ आर टू। चेक करो, ये तो 0 है, तो इसमें मैंने माइनस की मल्टीप्लाई कर दो 3 आर टू के साथ, उस समय फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 लिखा है, माइनस 3 1, फिर से 0 दे देगा, मतलब ये 0 मिल जाएगा, हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ, आर वन को रिप्लेस कर रहे, दैट मीन्स 1, 0, 1, और ये मुझे मिलेगा माइनस 2, 1, और ये 8। ये तो आपको 1 मिल गया, अब अगला क्या मिलेगा? 3 माइनस 3 माइनस 3, दैट मीन्स 0। अब यहाँ लिखा है 1, तो 1 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा प्लस का, तो 1 यहाँ लिखा है तो 7 हो जाएगा। ये लिखा है 0, ओके तो ये वाला एलिमेंट अब कैसे निकल जाएगा? आर वन माइनस थ्राइस ऑफ आर टू, आर वन मीन्स 0, 0 अब क्या लिखेंगे? 0 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई आर टू, दैट मीन्स ओनली 3, द रिजल्ट इज माइनस 3। ओके अब आप देखेंगे ये आपको आई मिल चुका है, आई 2 लिख देते, यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी उसको मैंने बी बोल दिया, और इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता है कि आई 2 इज इक्वल टू, व्हाट इज फॉर्मूला? दिस इज योर मेन फॉर्मूला। सो ए इनवर्स इज बी एंड बी इज 7 माइनस 3 माइनस 2 1, दिस इज ए इनवर्स फाइनल आंसर। ओके क्लास, ओके आप इसको जल्दी से कॉपी करें। ओके मैं थर्ड नंबर का, नाउ थर्ड नंबर का, नंबर का थर्ड, 3, 10, 2, 7, 3, 10, 2, 7। इसके लिए हम लोग ए इनवर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि रो ऑपरेशन यूज करना ठीक रहेगा या कॉलम ऑपरेशन यूज करना सही रहेगा। रो का आपने पैटर्न देख लिया 2 एग्जांपल में, अब मैं कॉलम का ले लेता हूँ 2 एग्जांपल का। तो मैं देख रहा हूँ कॉलम में 3, 3, 9, 10, 1 मिलता है, 2, 3, 6, 7, 1 मिलता है, मतलब बहुत ईजी पैटर्न बन रहा है, मैं कॉलम यूज कर लूँगा, दैट मीन्स 3, 10, 2, 7, मैं कॉलम यूज करूँगा तो मुझे ए आगे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है? ये मैंने ए आगे क्यों लिखा है? क्योंकि मैं कॉलम के ऑपरेशन यूज करूँगा। अब ऑपरेशन कैसे यूज करना है आप लोग देखो, इसको मैंने बोला कि C2 कॉलम है, सेकेंड नंबर का कॉलम है, तो C2 इज रिप्लेस बाय C2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1, पहला स्टेप ये मेरा आज का। तो 3, 2, 10 माइनस 9, क्योंकि 9 हो जाएगा तो मिलेगा 1, 7 माइनस 6 तो ये 1 मिलेगा, ये ए लिखा जाएगा, और ये तो 1 आ गया 0। अब 0 माइनस
अपनी थ्री की मल्टीप्लाई हो जाएगी वन में, तो थ्री आ जाएगा, वन में से जो कुछ नहीं आएगा तो वन आएगा। ये पहला पैटर्न आपका कंप्लीट हो गया। अब आप देखें, मैं कॉलम यूज़ कर रहा हूँ, रो तो यूज़ करना नहीं है, तो मुझे इसको जीरो बनाना है, इसको थ्री को वन बनाना है। अब देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं टू की मल्टीप्लाई करके कर रहा हूँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ, कॉलम वन इज रिप्लेस बाय कॉलम वन माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम नंबर टू। अगर मैं इस टू में से टू की मल्टीप्लाई वन की मल्टीप्लाई टू में करेंगे तो टू आ जाएगा, टू माइनस टू जीरो, तो ये जीरो मिल जाएगा। टू की मल्टीप्लाई करूँ तो वन भी आ जाएगा, तो बड़ा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो आओ देखते हैं क्या मिलेगा। सबसे पहले तो मुझे मिलेगा वन, क्योंकि थ्री माइनस टू तो वन आएगा, टू माइनस टू तो जीरो आएगा। ये तो वन वन ही चल रहा है बेचारा। अब ये ए लिख दिया मैंने यहाँ पर, और इस वाले में माइनस थ्री है, और ये वाले इसमें कोई चेंज ही नहीं करना क्योंकि सी में भी चेंज करना है। तो वन में से मैं थ्री टू या सिक्स माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये सेवन आ जाएगा, और ये जीरो और ये माइनस का टू मिलेगा। अब आप देखेंगे सिर्फ ये वाला वन टेंशन क्रिएट करवा रहा है, तो सी टू को रिप्लेस कर दो सी टू माइनस सी वन। अगर मैं इसमें से ये माइनस करूँगा तो देखो कैसे बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। सी वन में तो कोई चेंज ही नहीं, इसमें से निकालेंगे तो जीरो आएगा, जीरो आ जाएगा, तो वन आ जाएगा। ए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ तो जीरो है ना, वन माइनस जीरो। अभी तो मैंने चेंजिंग तो करी नहीं सेवन में ना माइनस टू में, सी टू में चेंजिंग करनी है। तो माइनस थ्री माइनस सेवन, दैट मीन्स माइनस सेवन, वन माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से तो प्लस हो जाएगा, फिर आ जाएगा थ्री, और ये पूरा आई बन चुका है। तो आई टू जो है वो ए मल्टीप्लाइड बाई बी के है, इसका मतलब ये जो है वो ये होना चाहिए। हम फॉर्मूला जानते हैं, अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो ए इनवर्स जो है वो बी है, और बी की वैल्यू आपने कितनी बोली, सेवन माइनस टेन माइनस टू थ्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। कॉपी कर लो इसको, ये हमने कॉलम से किया है। अगर एक बार कॉलम यूज़ कर दिया तो सभी जगह कॉलम यूज़ करना पड़ेगा, एक बार रो यूज़ कर लिया तो सभी जगह रो यूज़ करना पड़ेगा। एक ही पैटर्न है, ए से स्टार्ट होते हैं और इसी चीज़ को कुछ ऐसा करते रहते हैं कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। और यहाँ पर जो आई लिखते हैं वो धीरे धीरे चेंज होता होता कुछ बन जाएगा, वही आपका ए इनवर्स आ जाता है। बस यही पैटर्न है इसका। फोर्थ नंबर, फोर्थ इक्वेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, वन माइनस वन टू थ्री, वन माइनस वन टू थ्री, ये लिखा हुआ है आपके पास ए। तो मुझे इसका ए इनवर्स निकालना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, देख लेता हूँ एक बार। अगर मैं इसमें से ये ऐड करता हूँ तो जीरो हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। ये फाइव आ जाएगा, फाइव से डिवाइड कर दूँगा, मतलब मैं कॉलम यूज़ करना चाहूँगा, कॉलम करूँगा तो ए को मैंने पहले लिखा है। आई होप अब तक आप समझ गए होंगे। तो मैं कॉलम यूज़ कर रहा हूँ, क्या लिखूँगा, सबसे पहला ऑपरेशन C2 इज रिप्लेस बाय C1 प्लस C2। C2 को पहले लिखो, C1 को पहले लिखो, C1 को बाद में, क्योंकि C2 को रिप्लेस कर, इसलिए मैं पहले ये लिख देता हूँ। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। वन में से वन ऐड होगा ये आ जाएगा, या ऐड होगा तो फाइव आ जाएगा। यहाँ ए लिखा हुआ है, पहले में कोई चेंजिंग की नहीं क्योंकि C2 को रिप्लेस कर रहे हैं, इसका रिजल्ट वन मिलेगा, ये वन आएगा। ये फाइव प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है, सी टू इज रिप्लेस बाय वन ओवर फाइव सी टू, मैंने फाइव से डिवाइड कर दिया है, तो वन टू जीरो ये वन आ जाएगा। यहाँ तो ए लिखा हुआ है, वन जीरो वन ओवर फाइव ये आ जाएगा। यहाँ पर ये टू एक प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है, तो अब आपका रिजल्ट कैसे बनेगा आगे। ओके, सी वन इज रिप्लेस बाय C1 की पोजीशन का तो टू है ही, मैं टू की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, टू में से टू जाएगा तो जीरो आ जाएगा, यही मेरा टारगेट है, बाकी तो है सब कुछ। तो मेरे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, वन का तो वन ही रह जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, जीरो वन आ चुका है, ये ए लिखा जाएगा, C2 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो वन ओवर फाइव, वन ओवर फाइव तो वैसा ही रहेगा। अब वन माइनस, देखो क्या मिल रहा, वन माइनस टू ओवर फाइव, टू क्यों आए क्योंकि टू की मल्टीप्लाई करके क्या रिजल्ट मिलेगा, थ्री ओवर फाइव, मतलब ये पहला रिजल्ट आएगा आपका थ्री ओवर फाइव। एक और रिजल्ट है जीरो माइनस, ये तो डायरेक्ट लिख देता हूँ टू ओवर फाइव, इसका मतलब इसको हटा दो यहाँ से। अब आपके पास ये तो आई टू लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, इसको बी आपने कह दिया, और ये फॉर्मूला होता है कंपेरिजन करोगे तो ए इनवर्स बी आ रहा है, और बी का रिजल्ट कितना है, थ्री ओवर फाइव, वन ओवर फाइव, वन ओवर फाइव माइनस टू ओवर फाइव, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आप इसको कॉपी कर लें। ठीक है, अगला नंबर हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा है।
न्यूमेरिकल है आज का फिफ्थ। क्या न्यूमेरिकल लिखा है? 3 - 1 - 4 - 2 3 - 1 - 4 - 2 - 4 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि ऑपरेशन में कॉलम का यूज़ कर लेता हूँ। कॉलम का यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि उसका 4 - 4 - 0 आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 आ गया, तो कितना जल्दी 0 - 1 मिल जाएगा। मतलब अगर मैं कॉलम यूज़ करूँ, अब आपको पता ए पहले लिखना पड़ेगा, अब तक तो आप समझ गए होंगे। अगर मुझे कॉलम ऑपरेशन यूज़ करना है, यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कॉलम ऑपरेशन, तो डायरेक्ट C1 रिप्लेसेस बाय C1 में आप ऐड कर दो ट्वाइस ऑफ C2 को, तो 3 में आप -2 को ऐड करोगे तो 1 आएगा, -4 में 4 ऐड करोगे तो 0 आएगा। ये -1 है और ये 2, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ये ए C1 में आप इसका डबल की, मतलब ये तो वही मिलेगा, इसका तो कोई चेंजिंग आनी नहीं है। हाँ, इसमें चेंजिंग आनी क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हो, तो 2 - 0 हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे -1 प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है, तो C2 रिप्लेसेस बाय C2 + C1, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, इसमें तो कोई चेंजिंग की नहीं मैंने, इन दोनों को ऐड करके 0, इन दोनों को ऐड करके 2 आएगा, तो ए लिखा हुआ है, और इसमें तो कोई चेंजिंग की नहीं, इन दोनों को ऐड करके 1 आएगा, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर 3 आएगा। अगला ऑपरेशन ये 2 से डिवाइड कर पाना मुझे, मतलब C2 रिप्लेसेस बाय 1/2 C2। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करो। ये लिखा है 1 - 0 - 0 - 1, ओके। नाउ ए एंड 1 - 2 - 1/2 - 3/2 - 1/2 - 3/2, दिस इज योर फाइनल आंसर, बिकॉज ए I2 ए, दिस इज बी ए, ए इनवर्स, नाउ बी इज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 - 1/2 - 3/2, फाइनल आंसर, ठीक है। एक भी मेडिकल और है, जल्दी से कॉपी करें इसको। सिक्स मेडिकल नंबर 6 का लिखा 10 - 2 - 5 - 1, ये एक मैट्रिक्स लिखी है। आप कॉलम देखेंगे, रो देखेंगे, मैं इसमें रो देख लेता हूँ, बहुत जल्दी यूज़ हो जाएगा। रो देख लो, कॉलम देख लो, डायरेक्ट 0 मिल जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। आप, मैंने रो ले ली, कॉलम ले लेता हूँ, अभी तक कॉलम चल रहा है तो बड़ा इजी समझ में आ जाएगा, कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है। मैं रो से भी करके दिखाता हूँ। अब देखो, मैंने ए पहले लिखा है, मतलब कॉलम यूज़ कर दूँगा, तो कॉलम ये वाले, तो मैं क्या कर रहा हूँ, C1 इज रिप्लेसेस बाय C1 में मैं ऐड कर रहा हूँ 5 times ऑफ C2। अब ज़रा ऐड करो, ये आ जाएगा 10 माइनस का, सही है, तो ये आ जाएगा 0, 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, -2 - 1 ए। अब आप यहाँ पर आप देखेंगे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, 0 1 ही रहेगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा +5। अब आप देखेंगे कि एक मैट्रिक्स जिसका हम चेंजिंग कर रहे थे, वहाँ पर कोई रो या कॉलम पूरी 0 एलिमेंट्स दे दे, तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो क्या लिखेंगे, There is does not exist, डी एन ई लिख दो, does not exist of inverse, invertible लिख दो, या फिर inverse of matrix A, जो आप लिखना चाहते हो ना, inverse लिख देता, inverse आपकी exist नहीं करती, does not exist of inverse, ठीक है। ये आपका पैटर्न रहेगा, क्योंकि दोनों, अच्छा आपने ये यहाँ से किया हुआ, अगर आप चाहो तो कॉलम से, ये तो मैंने कॉलम से किया, रो से कर देता हूँ, तो 10 - 2 - 5 - 1, और इसको मैं पीछे लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया, मतलब रो यूज़ करूँगा तो आप देखोगे कि पहली रो को रिप्लेस किया जाए R1 में ट्वाइस ऑफ R2 को ऐड करके, तो आप देखोगे 2 की मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, 0 आ गया, आपका पैटर्न बन गया, -5 - 1, ये दोनों 0 आ गए, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके क्लास, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, आप लोग जमकर पढ़ाई करो, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।